देखो दोस्तों, न्यूजीलैंड में अगर आप जाना चाहते हो ना, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपके पास एडुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो भी आप न्यूजीलैंड में जा सकते हो। बहुत इजी सिंपल प्रोसेस है। क्या है, आपको डायरेक्ट जाके ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना है। कैसे एप्लीकेशन करना है वो तो आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा, कैसे आपको वीडियो में जाके एप्लीकेशन डालना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना पड़ेगा, अगर आप न्यूजीलैंड में जाना चाहते हो ना, तो चाहिए एक न्यूजीलैंड स्टाइल पे आपका रिज्यूम कवर लेटर रेडी होना चाहिए। क्योंकि आप जो यूरोपास यूज करते हो यूरोप कंट्री के लिए, वो अगर आप न्यूजीलैंड के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी न्यूजीलैंड में सीजनल वर्क वीजा चल रहा है, 2024 में नया वैकेंसी रिलीज हुआ है, जिसमें बहुत सारा लेबर की जरूरत है। अगर आपके पास फार्म नॉलेज है, फार्म वर्क का आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास फार्मिंग का नॉलेज है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज है, तो भी आप न्यूजीलैंड पे जाके एक अच्छी खासी नौकरी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हम आपको वीडियो में लेके जाके खुद दिखाएंगे, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है, आपको एप्लीकेशन करने से पहले आपको चाहिए रिज्यूम कवर लेटर, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम बहुत चीप प्राइस में आपको रिज्यूम कवर लेटर प्रोवाइड करते हैं। अभी आपको मैं वीडियो में लेके जाके दिखाएंगे कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है। रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीजा के अंदर जो वीजा आता है, जो जॉब आता है, उसके बारे में हम दिखाएंगे स्क्रीन में लेके जाके। सबसे पहले एज आपका कम से कम 18 साल से ऊपर होना चाहिए। जो कॉस्ट आपका पड़ेगा न्यूजीलैंड डॉलर, $325 आपका खर्चा होने वाला है। प्रोसेसिंग टाइम एक वीक के अंदर आपका जॉब लग सकता है दोस्तों। तो अगर आपको एप्लीकेशन करना है, कैसे करना है, हम आपको स्क्रीन में लेके जाके दिखाएंगे। देखो इधर रिकॉग्नाइज जो एम्प्लॉयर है, जो आप लोगों को रिक्रूट करेगा, एम्प्लॉयर कौन सा है, लिस्ट में आपको क्लिक करना है। देखो इधर लिस्ट आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो बहुत सारा कंपनी जो आपको लेने के लिए, जॉब देने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि इसमें जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो बहुत सारा जॉब वैकेंसी इधर अवेलेबल है। तो आपको सिंपली कैसे एप्लीकेशन करना है, हम आपको दिखाएंगे। देखो बहुत सारा कंपनी है, ये लिस्ट खत्म ही नहीं होने वाला, बहुत सारा कंपनी जो आपको जॉब देने के लिए वेट कर रहा है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको कैसे करना है, देखो दोस्तों, ऐसे आपको किसी भी एक कंपनी में जो आपको अच्छा लगे, इसको आपको क्लिक करना है, गूगल के लेके जाना है। गूगल पे जाके ये कंपनी का डालना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑफिशियल जो पोर्टल है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग स्क्रीन में देखोगे ऐसे इंटरफेस आएगा, तो आप जो देख सकते हो जॉब जो है, कंपनी का लोकेशन है न्यूजीलैंड। तो अगर न्यूजीलैंड पे लिए, आपको जो इस कंपनी के अंदर जो जो जॉब अवेलेबल है, आपको व्यू जॉब्स पे क्लिक करना है। व्यू जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हो बहुत सारा जॉब वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। जो जो पोजीशन के लिए जॉब वैकेंसी आपके लिए सुइटेबल लगे, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे देखो आप लोग फर्स्ट देख सकते हो जनरल स्किल लेबर के लिए जॉब्स अवेलेबल है, हाउसकीपिंग के लिए जॉब अवेलेबल है, और भी बहुत सारा जॉब इधर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। जैसे सीजनल पिक पैक हाउस वर्क के लिए भी जॉब अवेलेबल है। तो आप लोग मैं जस्ट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ हाउसकीपर के लिए। हाउसकीपर के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट हाउसकीपर पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो न्यूजीलैंड के जॉब वैकेंसी है, जो जॉब है February 2024 के अंदर ये जॉब पोस्ट हुआ है। आपको अगर इस जॉब में अप्लाई करना है तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आप लोग देख सकते हो। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है, मतलब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, इधर आपको मेंशन किया है। जैसे डेली क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ गेस्ट रूम, ये आपको गेस्ट रूम का काम है, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे एक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, देखो इधर लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ऑल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपका जो ट्रेनिंग है आपका प्रोवाइड किया जाएगा। बेनिफिट जो है आपको इधर लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, योर नेम इधर आपका नाम लिखना है, आपका ईमेल एड्रेस क्लिक करना है, आपका ईमेल एड्रेस जो है आपको लिखना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, आपका कुछ भी मैसेज है आप लिखना चाहते हो तो आपको इधर लिखना है, करेंट एरिया ऑफ रेसिडेंसी इधर आपका किधर से आप बिलोंग करते हो, जैसे आप इंडिया हो तो इंडिया का, नेपाल हो तो नेपाल, बांग्लादेश हो तो बांग्लादेश, पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान, तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। करंट वर्क स्टेटस आपका कुछ भी काम कर रहे हो करेंटली, तो वो भी मेंशन करना है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट इधर मेंशन करना है। करने के बाद इधर रिज्यूम एंड कवर लेटर इधर अपलोड करना है। देखो आपका रिज्यूम कवर लेटर हम भी बना के देते हैं आपको, मैं आपको पता है, ठीक है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो रिज्यूम कवर लेटर के लिए, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हो यूरोपास जो आपका रिज्यूम बनेगा इसके लिए। तो ब्राउज में क्लिक करना है, आपका रिज्यूम इधर अपलोड करना है, ठीक है, सिंपली सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करके आपको बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन करना है, 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा दोस्तों।